मास हम रेगुलर शेप बॉडीज का तो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉम्पोजिट बॉडीज हैं तो उनका भी सेंटर ऑफ मास हम पार्टिकल का जो है m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 over m1 + m2 + m3, ये फार्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्पोजिट तीन हमारे पास एक कॉम्पोजिट सिस्टम है ऑफ थ्री रॉड, एक प्लेन में है ये, मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, एक्स और वाई और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हम ले लेते हैं और ये यूनिफॉर्म मास की रॉड्स हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल और इसको सपोज 2m ले लेते हैं। और अब हम इसका इस सिस्टम ऑफ रॉड्स का जो है इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास इस रॉड का इसके सेंटर पर होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर लाई करेगा। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिफॉर्म है तो ये वाला जो तो इसको जो है अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये सिस्टम और अगर हम बोलें ये सिस्टम इसके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें, ये टोटल एल है तो ये एल बाय टू है। तो अगर ये एल बाय टू है तो इसके और ये एंगल है 60 डिग्री है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ये हो गया एल बाय टू कॉस 60 और ये हो गया एल बाय टू साइन 60। तो ये वाली जो रॉड है इसका सेंटर मास तो इसके सेंटर पर ही होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एल बाय टू 0 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये एल बाय टू है ये 60 डिग्री है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना हो गया ये हो गया एल बाय टू कॉस 60 हो गया और ये कितना है एल बाय टू साइन 60 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो हो गए एल बाय टू कॉस 60 और एल बाय टू साइन 60 हो गए। ठीक है अब इसके देखें ये 60 डिग्री है इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं ये एल बाय टू है तो ये कितना हो गया एल बाय टू कॉस 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया एल बाय टू साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक है ये वाला हमें डिस्टेंस पता लग गया ये डिस्टेंस पता लग गया लेकिन अब ये हमें जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो होते हैं वो रॉड के एंड से नहीं होते हैं वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने बताने हैं तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में बताने हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस माना जाएगा ये डिस्टेंस हमें लेना है तो ये कितना है टोटल यहाँ से एल है ये हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल चुके हैं एल बाई टू कॉस 60 तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया टोटल एल माइनस एल बाई टू कॉस 60 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट क्या वाई कोऑर्डिनेट तो उतने का उतना ही है इतना एल बाई टू साइन 60 है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एल माइनस एल बाई टू कॉस 60 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया एल बाई टू साइन 60 डिग्री हो गया। उसके बाद हम जो है जो पार्टिकल के लिए हम सेंटर ऑफ मास का फार्मूला यूज करते हैं हम उसको यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास अगर हम बात करें तो एक्स एम हो जाएगा एम वन इसके लिए यूज कर लें फर्स्ट रॉड इसको ले लेते हैं तो एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू कितना है एल बाई टू कॉस 60 प्लस एम थ्री इज 2m इंटू एक्स थ्री कोऑर्डिनेट्स कितना है l माइनस एल बाई टू कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाय द होल थिंग डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 सो दिस विल गिव सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट हमारे पास इस रॉड का आ जाएगा। इसी तरह से आप वाई सी एम भी यूज करें वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई वन हो जाएगा 0 वाई टू हो जाएगा एल बाई टू साइन 60 और वाई थ्री भी जो हो जाएगा एल बाई टू साइन 60 डिग्री हो जाएगा और इसको यूज करते हुए आप एक्स सी एम और वाई सी एम दैट इज सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी सॉर्ट ऑफ कॉम्पोजिट बॉडीज थी जिसमें अलग अलग रेगुलर शेप बॉडीज को हमने ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया था और फिर हमने कहा कि रेगुलर बॉडी है उसका हर एक का हमने इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया। हमने पार्टिकल वाला फार्मूला m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 over m1 + m2 + m3 = xm का फार्मूला यूज करते हुए सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब अगर यही जो मास डिस्ट्रीब्यूट है ये अगर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जहाँ पे एरिया थिकनेस जो इट इज वेरी स्मॉल और जो है थिकनेस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज यूनिफॉर्म तो उस केस में क्या करेंगे
अब सपोज हमारे पास ये दो लामिना है, इसका एरिया वन है और लेट्स से वी कैन टेक इट एज स्क्वायर लामिना, दिस इज बिगर स्क्वायर लामिना, दिस इज स्मॉलर स्क्वायर लामिना, तो दो स्क्वायर लामिना यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसका जो एरिया ए वन है इसका एरिया ए टू है। अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो पहले एक्सियोसिमेट्री फाइंड आउट कर लिया करो, अगर एक ही एक्सियोसिमेट्री आता है तो सेंटर मास उसी एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन अगर हमारे पास दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गए तो जहां पर ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर दैट इज द सेंटर ऑफ मास उसका लाई करेगा। अब जैसे स्क्वेयर लामिना है, स्क्वेयर लामिना दोनों जहां पर डायगोनल काटेंगे दैट इज सेंटर पर, वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सो हमारे पास दो लामिना है, एक ए वन है एक ए टू है, दे आर प्लेस साइड बाय साइड, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके x2 y2, दोनों के थिकनेस सेम है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है और हम यूज करना चाहते हैं कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर हमने इसका एरिया a1 है इस वाली शीट का, हमने कहा मास m1 है और इसका मास m2 है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो जैसे अभी हमने रॉड्स के लिए किया था वैसे इसके लिए कर लेते हैं। ये हो गया m1 x1 प्लस एम टू एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू, यही करेंगे, एक ये बॉडी ले ली एक ये बॉडी ले ली, पार्टिकल इसका ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर मास पार्टिकल यहाँ पे हो गया, तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू हो गया। अब मास क्यों होता है, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को ऐसे कर देते हैं, तो ये ए कर देते हैं, थिकनेस को टी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट कर देते हैं। तो अब हमारा एक्स बार जो हो गया वो हो गया एम वन, ये कितना हो गया एम वन, कितना हो गया ए वन टी इंटू रो, डेंसिटी के लिए रो हमने लेटर यूज कर लिया, सिंबल यूज कर लिया, इंटू एक्स वन प्लस एरिया ऑफ दिस इंटू थिकनेस ऑफ दिस इंटू डेंसिटी ऑफ दिस इंटू एक्स टू ओवर एम वन प्लस ओवर एम वन प्लस एम टू, एम वन इज सो टी इंटू रो टी रो टी रो एंड टी रो दैट इज कम्स आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू ओवर ए वन प्लस ए टू। ऐसे ही हमारा मास जो है वो एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू ओवर ए वन प्लस ए टू इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम YCM भी निकाल सकते हैं, और YCM अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा a1 y1 plus a2 y2 over a1 plus a2 and we can find the center of mass y coordinate also.